सोशल मीडिया पर दोस्ती कर लोगों से ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दिल्ली में रहकर ठगी करने वाले गिरोह के 4 नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2014 में मेडिकल वीजा पर भारत आए थे। दिल्ली में रहकर वो महंगे गिफ्ट और विदेशी मुद्रा भेजने के नाम पर ठगी कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3.5 लाख रुपए नकद, 4 लैपटॉप, 36 मोबाइल फोन, 4 डोंगल और 4 पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। नोएडा जोन के अपर पुलिस अभियुक्त रणविजय सिंह ने बताया है कि कुछ दिन पहले सेक्टर 28 निवासी सैन्य अधिकारी की पत्नी के साथ गिफ्ट भेजने के नाम पर 27 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया था। मामले की जांच के बाद कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस की टीम ने शनिवार को दिल्ली के तिलक नगर से 4 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी इंस्टाग्राम फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाते थे। वो खुद को अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों के नागरिक बताते थे। वो लोगों से दोस्ती कर धीरे धीरे बातचीत शुरू करते और दोस्ती के बाद वो भारतीय नागरिकों को महंगे गिफ्ट भेजने को लेकर झांसा देते थे। देखिए एसएपी फर्स्ट सिंस 20 की टीम और जो हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम है, ये सब लोगों ने मिलकर के एक फॉरेन नेसेस के द्वारा किया जा रहा फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया गया है। बेसिकली ये फॉरेन नेसेस 4 हैं जो अरेस्ट हुए हैं, नाइजीरियन मूल के लोग हैं और ये लोग यहाँ दिल्ली में रह रहे थे। ये बेसिकली सोशल मीडिया पे, सोशल साइट्स पे जाकर लोगों के साथ फ्रेंडली होते थे और उसके बाद उनको गिफ्ट देने के नाम पे और वो गिफ्ट यहाँ कस्टम्स में फंसा होने के नाम पर उसको रिलीज़ कराने के लिए पैसे लेते थे इनसे और उसके बाद उनके साथ फ्रॉड करते थे कर रहे हैं। ये बेसिकली 8 ऐसे अकाउंट्स थे जिसको यहाँ पे इंडिया में इसको यूज़ कर रहे थे, उन्हीं अकाउंट्स में ये पैसे मंगा रहे थे जिस लेडी का मुकदमा हमारे यहाँ पंजीकृत था उनसे। और उन अकाउंट्स का जो ट्रांजेक्शन हम लोगों ने देखा है वो ऐसा प्रतीत होता है कि तमाम ऐसे अक्सर कई लाख का गिफ्ट आइटम और विदेशी मुद्रा भेजने की बात कही जाती थी। लोगों को बताया जाता था कि उन्हें केवल कस्टम ड्यूटी देकर गिफ्ट लेना है। फिर इसी गिरोह का दूसरा बदमाश कस्टम अधिकारी बनकर फोन कर पैसे वसूलता था। ये आरोपी हर तरह के ऑनलाइन फ्रॉड में माहिर थे। कभी कंप्यूटर या मोबाइल में वायरस भेजकर ठगी करते थे तो कभी ईमेल भेजकर फर्जीवाड़ा करते थे। पुलिस के मुताबिक नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, अलीगढ़, बरेली, कानपुर, आगरा से कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें ठगी के मास्टरमाइंड ये नाइजीरियन युवक ही थे। फिलहाल ये चारों शातिर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए नोएडा से ललित शर्मा की रिपोर्ट।